पढ़ रहे हैं अभी कक्षा दसवीं का कृतिका भाग दो में पाठ दो जॉर्ज पंचोली नाथ, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। और आज हम इसके कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पाठ का परिचय देखा था और सारांश में कुछ प्रश्नों के उत्तर और आगे के जो कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, हम उन प्रश्नों को आवाज अभी पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की नाक का क्या उद्देश्य है। उत्तर है, जॉर्ज पंचम की नाक का उद्देश्य यह है कि अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों को औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट करना है। क्योंकि यह जो पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक, यह एक व्यंग विधा पर आधारित है। प्रश्न पूछा कि जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का क्या संदेश देती है। उत्तर है कि जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का संदेश देती है कि हमें अंग्रेजी सत्ता से जुड़े किसी भी व्यक्ति में आस्था ना रखते हुए अपने देश की स्वतंत्रता सेनानी या महापुरुषों में भी अपनी आस्था रखनी चाहिए। फिर ये प्रश्न कि जॉर्ज पंचम की नाक की साहित्यिक विधा क्या है। जैसा मैंने भी आपको बताया कि जॉर्ज पंचम की नाक की साहित्यिक विधा व्यंग्यात्मक कहानी है। फिर ये प्रश्न कि जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन है। तो जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कमलेश्वर है। प्रश्न की जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में रानी एलिजाबेथ द्वितीय किन देशों की यात्रा के लिए निकली थी। इसका उत्तर है कि जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में रानी एलिजाबेथ द्वितीय हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर निकली थी। फिर है प्रश्न की जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान क्यों था। इसका उत्तर है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब और क्या पहनेंगी। फिर है कि जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए थे। तो जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए थे। जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए पुलिस गश्त भी लगाई जा रही थी। यह सब क्यों किया जा रहा था, क्योंकि जॉर्ज की नाक बची रहे। मेरे प्रश्न कि एलिजाबेथ के भारत आगमन से पहले ही सरकारी तंत्र के हाथ पैर क्यों फूल रहे थे। उत्तर है कि जॉर्ज पंचम की नाक को कैसे ठीक किया जाए कि रानी को जॉर्ज पंचम की नाक सही सलामत हालत में मिले, इसी चिंता में सरकारी तंत्र के हाथ पैर फूले जा रहे थे। अब है प्रश्न की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन के समय अखबारों में उनके सूट के बारे में क्या क्या खबरें छप रही। तो उत्तर है, अखबारों में प्रकाशित यह किया गया था, अखबारों में यह छप रहा था कि एक ऐसा हल्के रंग का सूट बनवाना है, जिसने रानी एक ऐसा हल्के रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया और उस पर करीब 400 पौंड का खर्चा आया है। उस समय अखबार में सूट के संबंध में यह खबरें छप रही थी कि रानी का यह जो सूट है यह बहुत ही ज्यादा कीमती है। फिर
कृष्ण की मूर्तिकार ने भारतीय हुक्मरानों को किस हालत में देखा? उत्तर है कि जॉर्ज मंचन की नाक को लेकर हुक्मरानों के चेहरे पर अजीब परेशानी देखी, वह उदास और कुछ बदहवास हालत में थे। अब है प्रश्न कि जॉर्ज मंचन की नाक पाठ में मूर्तिकार ने भारतीय हुक्मरानों की परेशानी दूर करने के लिए क्या कहा? उत्तर ने मूर्तिकार ने कहा कि नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लौर कब और कहां बनी थी, तथा इसके लिए पत्थर कहां से लाया बना। तेरे प्रश्न की एलिजाबेथ के भारत आगमन पर इंग्लैंड और भारत दोनों स्थानों पर कैसी तैयारी चल रही थी? उत्तर है कि एलिजाबेथ के दौरे करने वालों में विभिन्न समाचार पत्र दिल्ली, एलिजाबेथ का दर्जी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, मंत्रीगण और विशेष रूप से यह सब शामिल। इसके अलावा अन्य तैयारियों के लिए अफसरों और मंत्रियों की परेशानी तो देखते ही बनी थी, क्योंकि जॉर्ज मंचन की नाक टूटी हुई थी और नाक जोड़ने का प्रबंध उन्हें ही करना। अब है प्रश्न कि कमलेश्वर का जन्म कब और कहां हुआ था? कमलेश्वर जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक है। उनका जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब है प्रश्न कि कमलेश्वर ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? तो कमलेश्वर ने सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर इत्यादि पत्रिकाओं का संपादन किया। प्रश्न कि नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला पुराण, चिंता मुर्दे या गांधी संग्रह पर आधारित है, वही बात आगामी डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान या उपन्यास विधा पर आधारित है या कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं थी। बच्चों, ये सब आप अपनी कॉपी में करेंगे, लिखेंगे और इनको अच्छे से याद भी करेंगे।